नहीं सकता केशव। पार्थ, युद्ध तो हुआ और ऐसा हुआ जो कहीं किसी ने न सुना न देखा। यहाँ की मिट्टी इस युद्ध की साक्षी है। The Great War of Kurukshetra was fought here. हजारों साल पहले हुआ ये युद्ध आज भी हमारे कॉन्शियसनेस में साफ बैठा है। ये कहानी है महाभारत की, द ग्रेटेस्ट एपिक एवर रिटन। कहते हैं इस भूमि को कुरु राजा ने सोने के हल से सींचा था और इसे धर्म क्षेत्र का नाम दिया गया। तो चलिए महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की खोज करते हैं, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। महाभारत का ये युद्ध जो यहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण है? साहित्य में तो इसका बड़े प्रमाण मिलते हैं। मतलब महाभारत जो है ना, स्पेसिफिक ये बताता है कि कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई हुई, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो युद्ध है आज से कम 5000 से लेकर 3000 साल पहले लड़ा गया, और भारत की जो क्लाइमेट है ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बरसात होती है, तो यहाँ उन एंटिक्विटीज़ को, वो अवशेषों को सुरक्षित रखना कदापि संभव नहीं था। इसलिए जो भी चीज़ हमें महाभारत के बारे में मिलती है, कथा कहानियों में मिलती है, लौकिक आख्यानों में मिलती है। ये कुरुक्षेत्र एक नगर जो वर्तमान समय में हमें दिखाई देता है, केवल ये कुरुक्षेत्र इतने तक ही सीमित नहीं था। ये इधर दिल्ली से मेरठ का जो स्थान है वो हस्तिनापुर है, जो कौरवों की राजधानी थी उस समय, तो वहाँ से लेकर के और उसमें लगभग ये हरियाणा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है उसमें। 48 कोस भूमि जिसे हम आज कहते हैं, जो कि आज के 5 जिलों में फैली हुई है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत, तो ये सारे भूमि कहलाती है कुरुक्षेत्र भूमि। हरियाणा के इस मॉडर्न सिटी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक जमाने में ये कुरुक्षेत्र का खाली मैदान था, जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, धर्म युद्ध। क्या ये युद्ध रुक नहीं सकता केशव? पार्थ, केशव, मैं अगर ये युद्ध ना करूं तो? पार्थ, नहीं केशव, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने अपनों को नहीं मार सकता। पंडित जी, पांडवों ने यही जगह क्यों चुनी लड़ाई के लिए? ये जगह इसलिए चुनी थी कि धर्म क्षेत्र का धर्म युद्ध था, और धर्म क्षेत्र का वर्ण बताया ना मैंने, लिखा है वामन पुराण के अंदर कि गंगा जले मुक्ति, वाराणसी जल स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, अंतरिक्ष जल स्थले, यानी गंगा जी के जल में मुक्ति है, काशी में जल और थल, जल में और जमीन में दोनों प्रकार से मुक्ति है, कुरुक्षेत्र के अंदर तीनों प्रकार से मुक्ति है, जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। अगर 47 कोस की भूमि पर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य है। और ये साक्षात प्रमाण अब भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि आज भी जब भी जो लोग यहाँ पर मरते हैं उनके संस्कार के पश्चात उनकी अस्थियों का विसर्जन है आज भी गंगा में नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पर इस भूमि पर मरता है, 48 कोस की जो भूमि है जहाँ पर महाभारत हुआ, तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है। जबकि हरियाणा के अन्य भूभागों में जब संस्कार होता है तो संस्कार के पश्चात उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाता है। और भगवान श्री मालूम था कि करने वाले तो वही थे कि 18 अक्षौणी सेना 11 कौरवों के साथ पांडवों की, मरना इन सभी को है, बिनका या कौन क्रियाक्रम करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, जो उठाने वो बसेगा ही नहीं, और फिर सारे अधर्मी नहीं है, कुछ भगवान के भक्त भी हैं,
जैसे चार नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को दी, बाकी भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य जितने थे सब भगवान के भगत थे और मन से चाहते थे कि पांडव जीते, पर लड़े दुर्योधन की तरफ से। तो भगवान ने सोचा इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनकी मुक्ति हो जाए। अपनों की मृत्यु का कारण बनकर मैं कैसे जीवित रहूंगा? मुझे इन दामों पर विजय नहीं चाहिए केशव। पार्थ, डरो मत। मृत्यु से क्या डरना? तुम सोचते हो कि उन्हें तुम नहीं मारोगे तो वे जीवित रहेंगे? मृत्यु कब होगी और कैसे होगी ये तो कोई नहीं जानता, मगर होगी अवश्य। तुम किसी की मृत्यु का कारण नहीं हो पार्थ, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसलिए कर्म करो। कैसे केशव? इससे किसका लाभ होगा? फल की चिंता क्यों करते हो? कर्म करो, फल के लिए नहीं कर्म के लिए युद्ध करो। ये मत सोचो कि कर्म के कर्ता तुम, क्योंकि ये तुम्हारा भ्रम है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे तुम बचा नहीं सकते और जिसकी नहीं उसे तुम मार नहीं सकते। इसलिए अर्जुन, ये अहंकार छोड़ो, समय को पहचानो और युद्ध करो, वीर बनो। एक वीर, एक क्षत्रिय, एक योद्धा की यह हालत हो गई कि उसके छक्के छूट गए, पसीना आ रहा है, शरीर कांप रहा है, गला सूख गया और मैदान छोड़ गए। मैं मैदान छोड़ना कहूंगी, रथ के अगले भाग में से पीछे जा करके वो बैठ गया, तो वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। इसलिए कृष्ण ने उसको कहा था कि भाई अर्जुन, ये जो युद्ध करना है ये तो तेरा कर्तव्य है। ज्योति सर, कुरुक्षेत्र का सबसे पावन तीर्थ जहाँ श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हुए थे। पंडित जी, इस जगह का क्या महत्व है? इस जगह का महत्व है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि इस जगह नाम ज्योतिश्री इसलिए पड़ा कि ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर, यानी ज्ञान का सरोवर। यहाँ के लोगों का मानना है कि यही वो पेड़ है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड, जो आज हर घर में रखी जाती है, जिसे साक्षी मानकर हमारा कानून हमसे कसम खिलवाता है, क्या भगवत गीता यही रची गई? ऐसा महाभारत में कहा गया है कि उन्होंने जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने उनसे ये कहा, कृष्ण जी से, वो उसके सारथी थे रथ के, तो उन्होंने कहा कि आप इस रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरे मुझे लड़ना किन से है। तो वो कहते हैं कि वो जिस जगह वो खड़े हुए आकर के, तो वो जगह एक बड़का वट वृक्ष था। युद्ध तो कभी भी जरूरी नहीं होता, उसे टालने की हमेशा कोशिश रहती है। वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट, अर्जुन ये बात समझते थे, मगर फिर भी जगत प्यारे अर्जुन, अपने गुरु और पितामह के लाडले अर्जुन, धनुष उठाने से कतराने लगे। कैसे करता वो इतना बड़ा नरसंहार? तुम कुछ तो करोगे ही पार्थ, या तो युद्ध करोगे या नहीं करोगे, या तो भूखे को खाना दोगे या नहीं दोगे, या तो धर्म का साथ दोगे या नहीं दोगे। कुछ ना करना भी एक कर्म है। उन्हें देखो अर्जुन, हजारों राजा अपनी लाखों सेनाएं लेकर तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने आए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कर्म है। पर युद्ध तुम्हारी भूमि के लिए नहीं हो रहा, ये युद्ध हो रहा है धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण महाभारत का जो युद्ध है वो रोक सकते थे और उन्होंने रोका नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण रोकना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे महाभारत का युद्ध हो, क्योंकि महाभारत का युद्ध वास्तव में एक ऐसी शिक्षा देने का युद्ध है जिसमें अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। कृष्ण ने पूरा प्रयास किया, जो दूत के रूप में गए, पांच गांवों को मांगा, इंद्रप्रस्थम, विकप्रस्थम, जयंतम, वारणावतम, ग्रामांस्ताम, चतुरो देहि किंचिदेकम च पंचमम।
तो ये कि ये चार गांव हमें दीजिए, इंद्रप्रस्थ दीजिए, वृक्कप्रस्थ दीजिए, जयंत यानी जींद हमारा जो जिला है जहाँ ये कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि का छोर है, तो ये दीजिए और बारणावत दीजिए और कोई और पांचवा गांव कोई भी दे दीजिए। ये पांच गांव हमें दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। उसके जवाब में जो सब जानते हैं कि वो सूच्यग्र मेदिनी भी मैं नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा, दुर्योधन ने ये कहा था। तो वो जो अन्याय है उसके खिलाफ जो है मतलब संदेश देना चाहते थे जनता में कि धर्म के प्रति जब भी अधर्म का जो प्रचार या प्रसार बढ़ेगा तो धर्म अपना कर्म करेगा और अधर्म को नष्ट कर देगा। कृष्ण मुझे राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, इस युद्ध को समझने के लिए मुझे आपको समझना होगा, इसीलिए आप ही मुझे बताइए केशव कि आपका सच क्या है। मैं शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, मैं समय हूं, मैं ही प्रलय भी हूं, मैं सत्य, मैं ही असत्य, मैं चेतना में ही भूल, मुझसे ये सृष्टि है, मुझसे है ये सप्तऋषि, क्योंकि मैं मनु हूं, मैं शिव में रुद्र हूं, मैं विष्णु में आदित्य हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं और मैं देवताओं में इंद्र हूं, मैं पांडवों में अर्जुन और मैं कृष्ण भी हूं, मैं महाकाल हूं और इस समय मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने या नहीं कहने से रुकूंगा नहीं। उठो अर्जुन, अपने कर्मों पर रोक मत लगाओ, उठो और युद्ध करो। रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स और आर्टिवर्क्स इस युद्ध के पीछे की फिलॉसफी को दर्शाते हैं। ये भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोच की लड़ाई थी। दुर्योधन एक सोच है, दुर्योधन कौरव एक सोच है, पांडव एक सोच है, धर्म एक सोच है, अधर्म एक सोच है, देवता एक सोच है, राक्षस एक सोच है जो हर आदमी के अंदर रहती है। जब व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति करता है तो वह राक्षस हो जाता है, जब वह देने का काम करता है तो वह देवता हो जाता है। हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, कितना मुश्किल है आप अगर आपका अपना सगा संबंधी, आपका अपना बेटा, आपका अपना स्वजन संबंधी भ्रष्ट है, आप में कितना दम है, आप कितने आप उसको अपने घर से बाहर कर सकते हैं, उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं, नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें गीता सिखाती है। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनका कि जो लोकल लोग हैं जिनका संबंध महाभारत के किसी न किसी एपिसोड से जोड़ते हैं। गांव में जाकर के देखेंगे महाभारत से जुड़े हुए जितनी किंवदंतियां हैं,
जितनी कथाएं हैं, जितने उनके पात्र हैं, वो सारे के सारे जो है गांव में जीवंत रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे चौपड़, जो महाभारत का बहुत प्रसिद्ध खेल था, आज भी हरियाणा में खेला जाता है। चक्रव्यूह महाभारत में रचा गया। आज भी हरियाणा के जो लोक जीवन में चारपाई लोग जो बुनते हैं या पीढ़े जो बुनते हैं, उनकी बुनाई में चक्रव्यूह और चौपड़ की जो रचनाएँ हैं वो देखने को मिलते हैं। इस गांव के हर बच्चे को आज भी उस चक्रव्यूह में घुसना आता है, जिसे बाहर निकलने का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं था। आचार्य द्रोण थे, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। यहाँ से आप घुसते हो अंदर, यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एक जो सबसे पहला योद्धा है वो यहाँ पे खड़ा मिलेगा। अब यहाँ से अभिमन्यु अंदर जाएगा, वो बारी बारी से इसमें पूरे में घूमता है, घूमते घूमते उसका लास्ट में वो यहाँ पे पहुँच जाता है। इस जगह पे यहाँ पे सातवां योद्धा था, उसके साथ युद्ध करने के बाद उसको यहाँ से बाहर निकलना था, ऐसे यहाँ से सीधा ये करके। लेकिन यहाँ पर जब सातों योद्धा इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको मार दिया। अभिमन्यु से अपभ्रंशित हुआ अमीन गांव है, तो वहाँ पर उसका चक्रव्यूह रचा गया था। कुरुक्षेत्र के आसपास का हर एक गांव युद्ध में घटी किसी न किसी घटना का साक्षी है। जैसे अमीन गांव में रचा गया था चक्रव्यूह, जिसमें फंसा के कौरवों के महायोद्धाओं ने 16 वर्ष के अभिमन्यु को मार डाला था। अभिमन्यु के नाम से ही पड़ गया अमीन गांव का नाम। वैद्य जी, तो वैद्य जी अभी मैं जा रही हूँ अमीन गांव घूमने, तो क्या मैं भी इस चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी और मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी? मुझे आसानी से रास्ता मिल जाएगा? ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन 5,500 साल हो चुके हैं, क्या वो नक्शा किसी गांव का आज तक विद्यमान हो सकता है? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? न मालूम कितने 5,500 में कितनी बार उजड़ा हुआ, कितनी बार दोबारा बसा हुआ होगा, तो वो नक्शा कैसे रह सकता है? आज तो एक साल में ही गलियां बदल गई है, एक साल में ही नीति बदल गई है लोगों की। 5,500 साल की बात आप कर रहे हैं, वो दृश्य आपका कैसे मिल सकता? फिर भी उसके कुछ चिन्ह, उसके कुछ खंडर आप गांव में चक्कर काट के देख लो, डायरेक्ट आप पास नहीं कर सकते। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो महाभारत से जुड़ी हुई है, उनका नामकरण भी महाभारत से है और उनके मतलब सारे के सारे इतिहास भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र की अर्बनाइजेशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जगह कभी एक बैरन लैंड था जिस पर इतना बड़ा युद्ध हुआ। आज की इस मॉडर्नाइजेशन की तस्वीर एक नए युग का स्वागत कर रही है। शायद इसी नए युग के लिए कृष्ण ने ये युद्ध रचा। क्या इसी नव निर्माण की कांस्टेंट जरूरत के पीछे युद्ध नीति है? युद्ध भी एक नीति के तहत हुआ करता था, युद्ध के नियम निर्धारित होते थे, बाकायदा सुबह से शाम तक युद्ध चल रहा है, लेकिन नियम थे कि संध्याकाल हो जाएगा तो फिर युद्ध नहीं होगा, तो सेनाएं शिविर लगा के रहती थी, आपस में लोग मिलते जुलते भी थे। यद्यपि बहुत स्थानों पर हम देखते हैं कि युद्ध के नियमों के उल्लंघन भी हुए, लेकिन उस उल्लंघन के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। कृष्ण अपने आप में एक ऐसी नीतिगत जो फिलोसफी या दर्शन है कि जिसके माध्यम से जो वो करवाना चाहते हैं उसको उस तरीके से वो करवा लेते हैं, वो उनकी नीति थी। इस लड़ाई में केवल कौरव और पांडव नहीं लड़े थे, सारे हिंदुस्तान से अब गांधार से लेकर के और सारा ये नॉर्थ और साउथ में जितने भी उस समय महाजनपद थे उन सभी के रूलर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। युद्ध अनिवार्य है, युद्ध से एक नई चीज़ निकलती है, एक नई व्यवस्था जन्म लेती है जो कि आवश्यक है। स्टोरीज तो हम हमेशा ही सुनते हैं, हर स्टोरी जुड़ी होती है एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत से। भारत
भारत की ये कहानी हमारे सिविलाइजेशन की कहानी है। इंडिया की ये पहली नींव, हमारी शुरुआत, हमारा इतिहास, हमारा सच, द स्टोरी ऑफ आवर एवोल्यूशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।